देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट, मैं हूं आपके साथ सोनी। भारत सरकार ऐसे कई योजनाएं चला रही हैं जिनमें कई बड़े लाभ हो रहे हैं। इन योजनाओं पर सरकार सालाना काफी पैसे भी खर्च करती है ताकि जरूरतमंद और गरीब वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके। इसी कड़ी देश के किसानों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करना, आमदनी बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं में से एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना है। ये भारत सरकार खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। पीएम मोदी ने इस योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को की थी। यह योजना पूरी तरह से किसानों को समर्पित है और इसके 100% फंडिंग केंद्र सरकार की ओर से की जाती है। इस योजना के तहत सभी पात्र किसान परिवारों को 3 बराबर किश्तों में हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता केंद्र सरकार की ओर से प्रदान की जाती है। 6,000 रुपए की इस आधुनिक सहायता को हर साल 4 महीने के अंतराल पर 2,000 रुपए की 3 सम्मान किश्तों के रूप में केंद्र सरकार की ओर से जारी की जाती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि देश में करोड़ों किसान केंद्र सरकार की इस शानदार स्कीम का लाभ ले रहे हैं। इस योजना का मकसद किसानों की खेती से संबंधित जरूरी सामान जैसे कीटनाशक खाद, बीज, कीटनाशक के साथ ही अन्य कृषि उपकरणों के लिए भी पैसे मुहैया कराना है ताकि किसानों को कृषि संबंधी सुविधाएं प्राप्त हो सके और उन पर ज्यादा से ज्यादा आर्थिक बोझ ना हो पाए। इस स्कीम को किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ जीवन स्तर को उठाने की भी काफी मदद मिल रही है। पीएम किसान योजना के लाभ, किसानों को एक साल में 6,000 रुपए उपलब्ध करवाए जाते हैं। हर 4 महीने में 3 बराबर किश्तों में 2,000 रुपए दिए जाते हैं। योजना का मकसद किसानों की आर्थिक परेशानी को दूर करना और उन्हें मजबूत करना है। करीब 10 करोड़ किसानों को मिल रहा है ये फायदा। त्योहारों के बाद जारी होगी 18वीं किस्त। पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना में से एक है। इसमें देश के करीब 10 करोड़ किसानों को हर महीने में 3 बराबर किश्तों में 2,000 रुपए सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। सामान्य तौर पर पीएम किसान योजना की पहली किश्त अप्रैल जुलाई के बीच, दूसरी किश्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। इस स्कीम के तहत हर किस्त के डीबीटी के जरिए से सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किया जाता है। इस योजना का केंद्र सरकार अब तक 17वीं किस्त जारी कर चुकी है। वहीं पीएम मोदी ने 18 जून को किसानों के खातों में 17वीं किस्त का पैसा जारी किया था। प्रधानमंत्री ने इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए से आर्थिक की राशि भी जारी की थी, यानी कि 17वीं किस्त को जारी हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में देश भर के करोड़ों किसानों को अब 18वीं किस्त का लंबे समय से इंतजार है। अब किसान 18वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में खबरों के मुताबिक गेहूं की फसल की बुआई से पहले अक्टूबर नवंबर में पीएम किसान योजना ने 18वीं किस्त का पैसा जारी हो सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से तारीख को लेकर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अब जान लेते हैं कि आप इसमें कैसे करवाएं रजिस्ट्रेशन। आप अगर भारतीय नागरिक हैं और पीएम किसान योजना के लिए जरूरी मानकों को पूरा करते हैं तो आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए पहले आपके पास आधार कार्ड यानी कि पहचान पत्र, कृषि भूमि से जुड़े दस्तावेज, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर आदि दस्तावेजों का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये दस्तावेज है तो आप इसके लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। पीएम किसान योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया काफी आसान है। इसके लिए आपको सबसे पहले योजना के आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा जो कि है pmkisan.gov.in पर। यहाँ पर आपको जाना होगा और पोर्टल पर जाने के बाद आपको न्यू फॉर्म रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको अपने 12 अंकों का आधार नंबर और मोबाइल नंबर फिल करना होगा, यानी कि यहाँ पे आपको 12 अंकों का आधार नंबर और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको अपने राज्य सेलेक्ट कर सबमिट करना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP डालकर प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप कई तरह की जानकारी पूछी जाएगी जिसे भरने के बाद आपको आधार ऑथेंटिकेशन बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आखिर में आपको खेत से जुड़ी सभी जानकारी दस्तावेज अपलोड करना होगा। इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट वाला मैसेज आएगा और इस तरह से आप पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन बेहद ही आसानी से करवा सकते हैं। इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराते समय अगर आपसे कोई गलती भी दर्ज की गई है तो आप इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा।
अब जान लेते हैं कि पीएम किसान योजना के लिए आप कैसे करवाएं रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले pmkisan.gov.in पर जाएं, आपको न्यू फॉर्म रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरना है। इसके बाद आपको एक OTP वाले विकल्प को क्लिक करना होगा। मोबाइल पर OTP आए और इसे भरकर आप प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। फिर आपको अपने जिला, बैंक और आधार कार्ड से जानकारी और डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें फिल करने होंगे। फिर आखिर में आपको सेव वाले बटन पर क्लिक करना होगा। ऐसा करने के बाद आपका आवेदन पूरा हो जाता है। ऐसे करवाएं अपना EKYC। पीएम किसान योजना EKYC की प्रोसेस क्या है, चलिए अब आपको हम ये भी थोड़ा विस्तार से बता देते हैं। वही जिन किसानों ने अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए अपनी EKYC और भू सत्यापन नहीं कराया है, तो उन्हें आने वाली 18वीं किश्त का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर आप भी पीएम किसान योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको जल्द ही इन दोनों जरूरी कार्यों को पूरा कर लेना चाहिए। इसके अलावा इन किसानों ने योजना का रजिस्ट्रेशन कराते समय कोई गलती अगर दर्ज की भी गई है तो उन्हें आप अगली किश्त का लाभ आपको नहीं मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में EKYC कराने के लिए आपको सबसे पहले पीएम किसान पोर्टल यानी कि pmkisan.gov.in पर आपको विजिट करना होगा। यहाँ पर आपको EKYC के विकल्प का चयन यानी कि यहाँ पर आपको EKYC चूज करना होगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करके सर्च बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको आधार से लिंक अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर आए और OTP को दर्ज करके सबमिट कर दें। इस तरह से घर बैठे बेहद ही आसानी से आप अपना EKYC ऑनलाइन ही घर पर कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपने नज़दीक के CSC केंद्र पर जाकर भी पीएम किसान योजना के लिए EKYC आप करवा सकते हैं। अब जान लेते हैं कि घर बैठे आप कैसे करवाएं EKYC। सबसे पहले आपको pmkisan.gov.in पर आपको जाना होगा। फिर होम पेज पर फार्मर्स कॉर्नर सेक्शन में आपको EKYC का विकल्प चूज करना होगा। EKYC पेज पर आप अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और सर्च बटन पर क्लिक करें। आधार से जुड़े आपको मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वह OTP भी आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा और फिर आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। सफल EKYC के बाद आपको एक मैसेज दिखाई देगा जिसमें EKYC सफलतापूर्वक यानी कि आपका EKYC अब कंप्लीट हो चुका है। किसान चाहे तो अपने नजदीक के CSC केंद्र पर भी जाकर EKYC करवा सकते हैं। अब जान लेते हैं कि पीएम किसान लिस्ट आप कैसे करें चेक कि आखिर आपका उसमें नाम है भी या फिर नहीं। कई बार ऐसा देखा गया है कि पीएम किसान योजना के लाभार्थी होने के बाद भी आपके खाते में पैसे नहीं आते हैं और पीएम किसान बेनिफिशियरी लिस्ट को आप सभी रजिस्ट्रेशन करने वाले किसानों को चेक करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बेनिफिशियरी लिस्ट में केवल ऐसे ही किसानों को ही शामिल किया जाता है जिन्हें आगामी समय में योजना का लाभ प्राप्त होने वाला है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपको योजना का लाभ मिलेगा या फिर नहीं तो आपको बेनिफिशियरी लिस्ट को चेक करना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले पीएम किसान के ऑफिशियल यानी कि आधिकारिक वेबसाइट पर आपको pmkisan.gov.in पर जाना होगा। यहाँ पर आपको फार्मर्स कॉर्नर पर क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको एक योर स्टेटस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर आपको नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आप अपना आधार नंबर दर्ज करेंगे जिसके बाद आपके नंबर पर एक OTP आएगा, उसे आप यहाँ पर फिल करें यानी कि जो OTP आपके मोबाइल पर आया है उसे आप यहाँ पर दर्ज करें। इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। अपने पेज पर जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालेंगे उसके बाद आपको गेट डाटा पर क्लिक करेंगे और आपके स्क्रीन पर पीएम किसान के किश्त की पूरी जानकारी दिखाई देगी। पीएम किसान लिस्ट में आप कैसे करें अपना नाम चेक। पीएम किसान की वेबसाइट पर जाएं, नो योर स्टेटस पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड यहां पर दर्ज करें। गेट डिटेल्स पर क्लिक करने पर आपको अपना स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा। इन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब जान लेते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल सकता। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सभी किसानों को नहीं ले सकते। केंद्र सरकार की ओर से योजना गरीब और सीमांत किसानों के लिए है। इस कारण केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। जो किसान उन शर्तों पर खरा उतरते हैं उन्हें इसका लाभ मिलता है। इस योजना के अंतर्गत केवल 18 वर्ष से अधिक आय के किसानों को ही पात्र माना जाता है। इस योजना के लाभार्थियों के लिए
भारतीय नागरिक होने के साथ साथ हेक्टेयर और जमीन होने की भी शर्त है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ऐसे ही लोग नहीं उठा सकते जो या सरकारी नौकरी कर रहे हो या फिर इनकम टैक्स भर रहे हो। अगर कोई व्यक्ति ईपीएफओ का मेंबर है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल पीएम किसान योजना की एक अहम शर्त है कि परिवार में केवल एक ही सदस्य इस योजना का लाभ ले सकता है। अगर आपका परिवार कोई दूसरा सदस्य योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करता है तो उसका आवेदन खारिज हो जाएगा और इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। यही नहीं, उससे दी गई रकम भी वापस करनी होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।